में आना हुआ, पिछले महीने मैंने मसूदा में एक आम सभा को संबोधित किया था, लेकिन शहर में काफ़ी समय के बाद मैंने यहाँ पे आना हुआ। सभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात भी बहुत अच्छा लगा, और आप जानते हैं कि अजमेर से पुराना लगाव हम सभी लोगों का है, और मेरा तो विशेष यहाँ के लोगों पर एक अधिकार मैं मानता हूँ, और लोगों का मुझ पर जो असीम प्रेम और स्नेह रहा है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, उस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी तैयारियां जारी करी हुई हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हाल ही में वेणुगोपाल जी भी जयपुर आए थे, अलग अलग समितियां बन गई हैं, चुनाव अभियान अब गति पकड़ रहा है, और प्रियंका जी भी राजस्थान में चुनाव का एक तरह से आगाज कर गई हैं, वो टोंक में एक आम सभा को संबोधित करने आई थी परसों, तो बहुत अच्छी सभा हुई थी परसों की, कल मैं दौसा में था, लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वातावरण बना है देश में पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान देश में बनी हुई है, ये बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है दिल्ली में और अपना काम नहीं कर पा रही है। 9 साल का ये एक आंकलन लोगों का है, हर क्षेत्र में वो विफल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं। हाँ, मीडिया मैनेजमेंट में, प्रचार प्रसार में, लोगों को भ्रमित करने में, ध्यान भटकाने में वो नंबर एक पर है। राजस्थान में उल्टा है, भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उस भूमिका को निभा नहीं पा रही है, और अब थक हार के उन्होंने यात्राएं शुरू करी, पहले तो उन्होंने करी थी जन संघर्ष यात्रा, उस संघर्ष यात्रा में संघर्ष था लेकिन जनता नहीं थी, अब परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर सर फुटबॉल मचा हुआ है, खींचतान बहुत ज़्यादा है भाजपा के अंदर, और वो इस बात से संतोष ले रहे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार इस परिपाटी को हम लोग तोड़ने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार, संगठन सब मिलकर अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी, और ये बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फीडबैक हमें मिला है, मैं अक्सर जिलों में दौरे कर रहा हूँ और सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा की विपक्ष के रूप में नाकामी सदन के अंदर, सदन के बाहर, और अब जो परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव है वो इस बात का प्रमाण है कि जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती है। आप किसान के खिलाफ 3 कानून बनाओगे, आप नोटबंदी करोगे, GST करोगे, महंगाई को आसमान पर छुआ दोगे, और लगातार इस देश में जो अब सेना को ले लो, जो नौजवान उम्मीद करते थे कि सेना में जाके अपने गौरव और अपने देश का शौर्य बढ़ाएंगे, आपने अग्निवीर लगा दिया कि आप 4 साल नौकरी करो फिर आपकी छुट्टी, तो हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को तरह से ठगा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल जी ने जो यात्राएं करी हैं, खासकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी, कर्नाटक में हम लोगों ने प्रचार किया, वहाँ पे डबल इंजन फेल हुआ, हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने अच्छा प्रचार किया, वहाँ पर डबल इंजन फेल हो गया, और ये जो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम सत्ता में आ जाएंगे, वो अब लोग समझ गए हैं। तो शुरुआत में तो लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई ये अच्छा एक जज्बाती मुद्दा है, इस पर वोट बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन 4 स्टेट्स में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन स्टेट्स में भाजपा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे लगता है 4 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ तक पार्टी की बात है, खड़गे जी एक निर्वाचित अध्यक्ष हैं, पहली बहुत समय बाद मुझे लगता है कि एक दलित समुदाय के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित अध्यक्ष बनाया है, उनकी कमेटी बन गई है, और मुझे भी उस कार्य समिति में काम करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं संगठन का, खड़गे जी का, राहुल जी का आपका धन्यवाद करता हूँ। और अब नई ऊर्जा के साथ, नई टीम के साथ हम लोग जमीन पर आ गए हैं और लगातार प्रचार हो रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन संगठन, क्योंकि पार्टी के दम पर ही सरकारें बनती हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अजमेर में, क्योंकि मैं अजमेर में हूँ, यहाँ पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। शहर में बहुत लंबे समय से हम दोनों सीट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो माहौल लग रहा है, जो एकता दिख रही है, सभी नेता सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो जयपुर में, अजमेर में और अजमेर ग्रामीण में भी, क्योंकि यहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के लिए और योगदान दूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अजमेर में अभी आप कांग्रेस से भी अवगत होंगे, वर्तमान में जो चल रही है, ऐसी परिस्थिति में आप कांग्रेस को कैसे जिता पाएंगे? देखिए, जब चुनाव होता है तो एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज चल रहा है वो आपसे छुपा नहीं है, और वहाँ पर जो खींचतान मच रही है उनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जब हम चयन करेंगे प्रत्याशियों का, जो सर्वे हमारी पार्टी करवा रही है,
जीता उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने जा रही है। ये बात सभी कह चुके हैं और दिल्ली से जयपुर सब बात को जानते हैं। हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी भी है, गौरव गोगी उसके अध्यक्ष हैं, सबसे मिल रहे हैं, ब्लॉक जिला तहसील तक नुमाइंदों से पार्टी के पदाधिकारी से मिल रहे हैं और अंत में हम लोग उस व्यक्ति को टिकट देंगे और पैमाना हमारा सिर्फ जीतने वाला है, कौन सीट जीत सकता है, क्योंकि चुनौती बड़ी गंभीर है। देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल हैं, अगर इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार कांग्रेस लेड यूपी, हमारी जो इंडिया अलायंस है, वो हम लोग सरकार बनाएंगे। इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें भूलकर चुनाव जीतने में लगा। पुराना परिवार है कौन? अब देखो चुनाव का समय है, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल किसी पार्टी में जाके काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था गलत था उसका जजमेंट जो है उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपने रिजोल्यूशन करेंगे। सर आप आपने आरपीएससी में करप्शन का मुद्दा उठाया, नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का एक स्वरूप तैयार किया है और जो सजा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है, उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के इस बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहाँ तक आरपीएससी मेंबर्स का सवाल है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है, वो व्यक्ति मेंबर्स बने चेयरमैन बने जिनका एक एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि वो जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से उन पदों पर बैठाए जाए, वो बात जायज है, इस बात को स्वीकार किया है, पार्टी सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। सर आपने कहा जीत का रास्ता एकजुट करें, तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए गए, मानहानि के दावे भी हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था हमारी कोशिश थी और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठ के काम करेंगे और समाधान का कांग्रेस हराने का आरोप है। मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे को चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं, हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को के सी वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर रहेगा, वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं और ये परिपाटी आज की इस चुनाव के नहीं है, पूरे देश में है और पहले से होती है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूरी है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए उसको दोबारा रिपीट करा जाए। सर सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर पार्टी के इश्यूज को लेकर, चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीतकर आते हैं जब हमारा बहुमत आता है उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद सारी कार्रवाई। सर पायलट सर अभी भी भाई मैं तो पहले से कह चुका हूँ, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट कोई सचिन पायलट गुट नहीं है, ये सब खड़गे गुट राहुल गुट सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब जामीदारों की जब सूची तय होगी सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के साथ,
अच्छा मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं, मानता हूँ। इसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं। ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन विचारधारा पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी, खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगी, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह, और ये सबको बात जानते हैं और सब बात को एक्सेप्ट करते हैं। कोई अंदर बाहर की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, सब मिलकर लड़ेंगे, ऐसा कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे यार, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो चार चार पौने पांच साल निकल गए, अब चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं जानता हूँ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं, कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं, तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। कितने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है, तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य उसको पूरा कर पाएंगे। सर, कांग्रेस लीड अलायंस वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है, ऐसा है, मैं किसने क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339990549 पर।